तो दोस्तों मैं आज रहा आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। आज मैं दिखाने वाला एक नए गैजेट के बारे में। ये वीडियो रहने वाले एक गैजेट के बारे में, जो गैजेट आपको देखने में ही और यूज करने में बहुत ही बेहतरीन लगने वाला है। ये वीडियो होने वाली है धमाकेदार इस नए पेन के साथ। ये एक नया गैजेट जो मैं आपके लेके आया हूँ, जिसे आप देख रहे हैं, ये एक सिर्फ पेन नहीं है, ये बहुत ज्यादा यूजफुल पेन है। इस पेन को मैं बिल्कुल क्या बताऊं, जब से पेन मिला है मैं सीरियसली इस पेन को बहुत ज्यादा यूज कर रहा हूं, क्योंकि इस पेन में है मैजिक। एप्पल की पेंसिल जो कि 8,000 से स्टार्ट होती है और प्रो वेरिएंट की 10,500 की वो पेंसिल आ रही है, और सैमसंग की 3,500 से स्टार्ट होती है वो पेंसिल जो कि टैबलेट पे या फिर मोबाइल पे चलती है। लेकिन ये पेन सिर्फ 15 रुपए का है, सिर्फ 15 रुपए का, जो कि आपको किसी भी स्टेशनरी शॉप पे या फिर किसी भी गैजेट की शॉप पे मिल जाएगा। बस हमारी फिंगरप्रिंट सेंसर इस पे काम नहीं करेगा। फिंगरप्रिंट कैसे कर सकता है? लेकिन दोस्तों फिंगरप्रिंट के अलावा ये पूरी स्क्रीन के पास ऐसे स्मूथली वर्क करेगा जैसे कि हम खुद अपनी फिंगर से काम कर रहे हों। बहुत लाइट वेट है, मतलब कि इसका मुश्किल से 5 ग्राम या 6 ग्राम इसका वेट होगा, जैसे नॉर्मल पेन का होता है। बहुत ज़्यादा लाइट वेट है और इसके अंदर कोई रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रखी है। नॉर्मल बिल्कुल स्मूथ, जैसे रेनॉल्ड्स पेन में हमेशा यूज़ करता हूँ। बात अगर आईपैड की हो, टैब की हो या फिर किसी भी ऑर्डिनरी फ़ोन की हो, हर एक फ़ोन और हर एक टैब की स्क्रीन पर ये जो पेन है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। मैंने दोनों चीज़ें यूज़ करी है, एप्पल की पेंसिल भी यूज़ करी है, सैमसंग की पेंसिल भी यूज़ करी है, लेकिन ये पेन उनकी कंपैटिबिलिटी में बहुत ज़्यादा स्मूथ चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि उनसे बेटर चल रहा है, लेकिन उनसे कम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पता चलता है यूज़ करने पे। लेकिन यूज़ करने पे हमें ये बिल्कुल फील हो जाता है कि क्या चीज़ अच्छी है और क्या चीज़ अच्छी नहीं है। ये सिर्फ 15 रुपीज़ का पेन जो किसी भी ऑर्डिनरी शॉप पे हमें मिल जाता है, किसी भी इजीली मिल जाता है, अवेलेबल है, हम इसे यूज़ कर सकते हैं एज ए हमारे नॉर्मल पेन। क्यों खाम खा वेस्ट किए 2,000 रुपये, 3,000 रुपये या एप्पल की पेंसिल पे 10,000 रुपये, क्यों? जब जो चीज़ हमारा काम 15 रुपये की पेंसिल पे या 15 रुपये के पेन पे हो रहा है, तो क्यों भाई खाम खा फालतू पैसे आ रहे हैं। बची बात इसके स्मूथनेस की, जैसे कि आपने देख लिया होगा बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वर्क कर रहा है। और इस पेन की खासियत ये है कि ये हमेशा यूज़ करता है, इसे चार्ज करने की ज़रूरत नहीं है, इसे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, इसे यूज़ करो और ऐसे फेंक दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता प्लास्टिक का है और ले आएंगे। तो यूज़ किया और फेंक दिया, कोई यूज़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 15 रुपये का ही तो है, और आ जाएगा 10,000 रुपये में ऐसे 50 पेन आ जाएंगे, 100 पेन आ जाएंगे, भाई साहब 100 से भी ज्यादा पेन आ जाएंगे। एप्पल क्यों क्यों लूट रहे हैं भाई साहब ये एप्पल? उसको चार्ज करना पड़ता है, इसे तो चार्ज भी नहीं करना पड़ता।
₹15 में क्या होता है भाई। आप इस पेन को आप यूज कीजिए और इस पेन को आप फटाफट खरीद के लेके आइए। अगर आपको इस पेन का यूज पड़ता है, अगर आपको कुछ काम वाम करना पड़ता है टैब पे या फिर मोबाइल पे, तो स्टाइल मारने के लिए ले आइए भाई। दोस्तों के आगे टशन मारने में जो पेन मैंने यूज किया था वे देख के हैरान हो रहे। उनके पास जेन्युइनली बताऊं, उनके पास अच्छी से अच्छी पेंसिल है, वे हमेशा वही यूज करते हैं, लेकिन मैं उनके सामने ऐसे टशन मार रहा था वे कह रहे हैं भाई क्या यूज कर रहा है। और मैंने उन्हें दिया ये पेन तो वे कह रहे हैं भाई 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 धोखा, हमारे साथ धोखा। लेकिन दोस्तों आपकी अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ पेन है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इसके अंदर, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पेन बिल्कुल नॉर्मल पेन की तरह है। जैसे मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देता हूँ तो ये यहाँ से ऐसे ऑन होता है, यहाँ से ओपन होगा। इसके अंदर नॉर्मल पेन, बॉल पेन का सिक्का, इसके अंदर नॉर्मल हमारा एक स्प्रिंग और बॉल पेन निकलता है, और ये बिल्कुल खाली है, कुछ नहीं है इसके अंदर, कोई बैटरी वगैरह नहीं है, सिंपल एक पेन है। अब बारी है इससे लिखने की, इससे लिखा भी जाता है। इसके अंदर खाम का जो बॉल पेन दिया है वो ऐसे ही नहीं दिया है, इससे लिखा भी जाता है हमारे नॉर्मल पेन की तरह। ये मेरा द हिंदू न्यूज़पेपर, जैसा कि आप दिख रहा हो, बहुत स्मूथ ये पेन चलता है। मतलब कि ना मुझे सीरियसली, मैं फैन हो गया हूँ। कोई पेन लेके आओ तो ₹15 में यही पेन लेके आ जाओ, लिखने का। और पता है पेन में हमें बहुत सारी चीजें देखने को होती हैं कि हमारा जो पेन है वो लाइट वेट हो। आई एम सॉरी लेकिन रेनॉल्ड पेन से कहीं ज्यादा बेटर है यार ये। आई एम नॉट बिलीविंग इट, सीरियसली इट्स टोटली पैसा वसूल पेन। सीरियसली कैसा लगा आपको ये पेन? अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना। लाइक करने के बाद अगर आपको ये चैनल बड़ा आपको अच्छा लग रहा है तो उस लाल वाले बटन को दबा के सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कुछ डिफरेंट और यूनिक गैजेट्स के साथ। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टाटा बाय। ये मैंने खराब नहीं किया, इसे ऑलरेडी पढ़ चुका हूँ मैं, रद्दी अभी है।